अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहानारास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशा अल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ तंदूरी कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तंदूरी चाय आप सब ने तो पिया ही होगा, और इसकी भी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है किस तरह से आप घर पर तंदूरी चाय बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आप सबके साथ तंदूरी कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, और ये सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार का लगता है पीने में। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की तंदूरी कॉफ़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं तंदूरी कॉफ़ी की रेसिपी। तंदूरी कॉफ़ी मैं यहाँ पर 6 से 7 कप के करीब बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए एक मिट्टी का कुल्हड़। आप देख सकते हैं, छोटा सा मैंने एक मिट्टी का कुल्हड़ लिया है, बर्तन इस तरह से आपको मार्केट से लाना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर 6 से 7 चम्मच के करीब चीनी और 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमें कॉफ़ी पाउडर लेना है। कॉफ़ी पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया 1 चम्मच, और साथ ही कॉफ़ी मग जिस पर मैं कॉफ़ी को बीट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी हैंड बीटर या फिर विस्क नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं चम्मच से ही कॉफ़ी बीट करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी बनाना। सबसे पहले हमें टी पैन पर 2 ग्लास के करीब दूध डाल लेना है, और मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर डाल लेती हूँ। उससे भी कम हम यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि दूध में हमें सिर्फ फ्लेवर लाना है कॉफ़ी का। तो चलिए अब मैं स्टोव को ऑन कर लेती हूँ, लो फ्लेम पर हम इसे रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसे मैं दूसरे साइड पर कर लेती हूँ, और इस साइड पर मैं क्या करूँगी, मिट्टी का कुल्हड़ जो है उसे मैं गर्म करूँगी। स्टोव के मीडियम फ्लेम पर मैं यहाँ पर मिट्टी के कुल्हड़ को रख लेती हूँ, और हमें इसे बीच बीच में पलटते हुए 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमें इसे गर्म कर लेना है। स्टोव के दूसरे साइड में मैंने दूध रख लिया है, और जब तक हमारा मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ जो है वो गर्म हो रहा है, तब तक मैं कॉफ़ी को बीट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉफ़ी मग में पहले डाल लेती हूँ कॉफ़ी 1.5 चम्मच के करीब, और साथ ही मैं यहाँ पर 6 से 7 चम्मच के करीब चीनी डाल लेती हूँ। चीनी और कॉफ़ी की क्वांटिटी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉफ़ी आपको कितना मीठा पीना पसंद है, या फिर कॉफ़ी आपको कितना कड़वा या फिर लाइट पीना है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर उसे इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का गुनगुना पानी ली हूँ, हल्का गर्म पानी। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब पानी डाल लेती हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम कॉफ़ी को बीट करेंगे, और आप देख सकते हैं इसे बीट करते हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और ये झाग बनना स्टार्ट हो चुका है, पूरी तरह से क्रीम बन जाएगा। हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से बीट करते रहेंगे, हाथ को स्पीड में हमें चलाते रहना है। इसी दौरान हमें स्टोव में हमने जो रखा है कूलर उसे भी चेक करते रहेंगे, उसे हम पलटते रहेंगे, स्टोव के फ्लेम को हाई या फिर मीडियम करते रहेंगे, क्योंकि हमें कूलर को सिर्फ गर्म करना है अच्छी तरह से। कूलर जो है अगर हम कोयले का यानी चारकोल का स्टोव जो होता है, अगर हम उस पर भी इसे गर्म करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, लेकिन स्टोव पर गैस स्टोव पर अगर हम इसे गर्म करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ, और साथ ही मैं यहाँ पर कॉफ़ी को भी बीट करती रहूँगी। और आपको याद रखना है हमने दूसरे स्टोव पर भी दूध रखा हुआ है लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने कॉफ़ी को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी फॉर्म पर आ चुका है। अब मैं इसे साइड पर रखती हूँ और चलते हैं गैस स्टोव की तरफ, और हमारा दूध भी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए मैंने स्टोव के लो फ्लेम पर रख लिया था, और जिसकी वजह से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। और अब मैं इसे भी स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ, और कुल्हड़ भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो इसका भी मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ। तो चलिए हम तंदूरी कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल मैंने ले लिया है, अब मैं यहाँ पर मिट्टी का कुल्हड़ जो है उसे रख लेती हूँ। बहुत ही गर्म रहता है, केयरफुली के साथ आपको यहाँ पर रखना है इसे, और हमने जो दूध को गर्म करके रखा हुआ है उसे मैं इस कुल्हड़ पर डालूँगी। मिट्टी का कुल्हड़ जो है बहुत ही गर्म रहता है, जिसकी वजह से हम जब दूध डालते हैं गर्म गर्म दूध, तो वो उबलने लगता है इस तरह से। तो अगर हम बड़ा सा बर्तन ले लेंगे तो सारा दूध जो है उस पर रह जाएगा। तो इसी तरह से मैं दूध को डाल लेती हूँ, और ये फ़ौरन भी ठंडा हो जाता है। आप देख सकते हैं आखिर में मैं जब दूध डाल रही हूँ तो उबलता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं सर्व करूँगी। सर्व करने के लिए हमें मैंने यहाँ पर दो उसी तरह से मिट्टी का कुल्हड़ लिया है, जिस पर हम चाय या फिर कुछ भी बादाम मिल्क पीते हैं, तो इसी तरह का आपको एक कुल्हड़ ले लेना है। ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर इस दोनों कप पर मैं क्या डालूँगी, हमने जो कॉफ़ी को बीट करके रखा हुआ था 1-1 चम्मच करके हम यहाँ पर डाल देंगे,
और साथ ही हमारा तंदूरी दूध जो हमने बना कर रखा हुआ था उसमें भी कॉफ़ी का फ्लेवर पहले से ही मैंने उसमें उस दूध में भी थोड़ा सा कॉफ़ी डाला हुआ है, तो उस दूध को भी मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से अगर हम डालेंगे तो हमारा कॉफ़ी जो है झाग वाला बनेगा, तो इस तरह से आपको डाल लेना है, थोड़ा ऊपर से आपको दूध डालना है कप पर। तो फिर से मैं यहाँ पर और एक एक चम्मच डाल लेती हूँ कॉफ़ी को, हमने जो बीट करके रखा हुआ था, तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही झाग वाला डिलीशियस मज़ेदार हमारा तंदूरी कॉफ़ी बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, आपका दिल करेगा एक कप नहीं मैं यहाँ पर 2 से 3 कप पी लूँ, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस लगता है, झाग भरा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तंदूरी चाय तो आपने बनाई ही होगी, लेकिन इस तरह से तंदूरी कॉफ़ी भी एक बार आप ज़रूर बना कर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और आप चाहें तो इस तरह से कॉफ़ी बीट करके आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं 15 दिन के लिए, एयरटाइट कंटेनर में, ख़राब नहीं होगा आपका। जब दिल करेगा आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप इसे झटपट भी बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 5 मिनट के अंदर हमारा कॉफ़ी, तंदूरी कॉफ़ी फटाफट बनकर तैयार हो जाता है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर हम इस तरह से कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी के अंदर मिट्टी का सौंधा खुशबू आ जाता है, जिसकी वजह से कॉफ़ी बहुत ही मज़ेदार का लगता है पीने में, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की तंदूरी कॉफ़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।